ये बंगाल के जो लड़के हैं वहाँ के लड़कों के लिए आप वहाँ के लैंग्वेज में थोड़ा कुछ कहेंगे कि कौन यहाँ आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता है? आमी मैंने बांगाली छेले देर बोलबो जे जरा बीटेक बा डिप्लोमा आईटीआई करे रखे छे एखोनो जॉब मैंने फ्रेशर आछो बा एक दो साल गैप हो गए छे तो मैंने एखोनो जॉब होइनि घरे बसे माथा खराब होच्छे तो आशा बोलते चाहिए तुम्हारा इमिडिएटली स्किल हिंदुस्तान यूट्यूबे ऐप्स आछे बा स्किल गूगल थेके नम्बर पे जाबे ओखान थेके ताड़ाताड़ी जतो ताड़ाताड़ी होक कन्टैक्ट करो प्रदीप सर या श्याम सर जो नाम आछे नम्बर प्रोवाइड करा आछे तो ओखाने कन्टैक्ट करो जतो ताड़ाताड़ी होक तुम्हारा स्किल। हेलो फ्रेंड्स, स्किल हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कराने वाला हूँ अपने एक पुराने बैच के स्टूडेंट सैफ इस्लाम से। इनका फाइनली आज जॉब लग चुका है और ये ज्वाइनिंग इनकी हो चुकी है, मतलब ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। ज्वाइनिंग इनका शायद मंडे से है, मंडे को जाके अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेंगे और वहीं से अपना सारा सिस्टम को चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी इनसे हम यही जानने वाले हैं कि अभी जैसे इन्होंने यहाँ पे एक महीने का ट्रेनिंग लिया, टेक्निकल सुपरवाइज़र कोर्स था इनका, एक महीने का जो ट्रेनिंग था उसके एक महीने के प्रोसेस में इन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखा, साथ ही जब इन्होंने क्या क्या विजिट करी यहाँ के बारे में पूरा ओवरऑल हर चीज़ जानेंगे। साथ ही साथ जो अभी इन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं, क्या क्या इनके लिए अच्छाई थी उसमें, और साइट्स के बारे में सारा चीज़ ये बताएंगे। तो अपने बारे में बताने से शुरू करो, फिर उसको आगे आगे आप बता दें। सबसे तो पहले गुड आफ्टरनून सर, और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग्स करता हूँ। तो यूट्यूब से देखा था मैंने, प्रदीप सर जो है सीईओ है उनका वीडियो देखा, तो मतलब बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, मतलब आएंगे आएंगे नहीं हो पा रहा था, तो अल्टीमेटली तो हो ही गया आना। तो आने के बाद दिल्ली सेंटर पे जो पूरी टीम है, दिल्ली सेंटर और नोएडा में पूरी टीम को सबसे पहले तो पूरे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि इधर मैंने जो एक महीने का जो नॉलेज गेन किया है, मतलब ऐसा मतलब इतना अच्छे कम रेट पे कहीं नहीं मिल सकता है। एक एक चीज़ जैसे मतलब हर शेड्यूल मेंटेन करके, जैसे हर दिन का शेड्यूल रहता था, क्लास करने के बाद प्रैक्टिकली करना, उसके बाद फिर 10 दिन हुआ क्लास, उसके बाद फिर हम लोग को इधर द्वारका में एक सिटी सेंटर मॉल है, उधर 5 दिन के लिए विजिट में भेजते थे, उधर से हम लोग को खुद हाथ से अपना हर चीज़ करना पड़ता था, हर मतलब सिस्टम इक्विपमेंट सब हर चीज़ हम लोग चेक करते थे, मतलब थियोरेटिकली प्रैक्टिकली हर चीज़ दोनों एक साथ में चल रहा था, पूरा बैलेंसिंग वे में एकदम सही चल रहा था। और जो शाम सर है उन मतलब उनका जो टेक्निक है समझाने का बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा है, मतलब बहुत जल्दी मतलब हम मतलब किसी का पता नहीं लेकिन हम तो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते थे, मतलब मेरे को बहुत इंजॉयमेंट हो रहा था। तो इधर आके जैसे स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्टर पढ़े थे, जानते थे ऐसे नॉर्मल ड्राइंग बनाते थे, लेकिन पूरा जो एकदम हर एक पार्ट्स कैसे लगाना है, कैसे क्या कनेक्शन करना है, हर चीज़ मतलब इतना ब्रीफली समझाए सर, मतलब एक दिन में हम लोग प्रैक्टिस किए, उसके बाद तो अभी तक मतलब एक महीना लगभग 10-15 दिन हो गया, अभी तक नहीं भूले हर चीज़। उसके बाद आपका डीजी का पूरा बेसिक से लेके एकदम हर चीज़ पूरा डीजी, उसके बाद ट्रांसफार्मर के बारे में सेफ्टी से लेके ट्रांसफार्मर का हर पार्ट्स दिखाए, हर पार्ट्स का कि सब फंक्शन है और कैसे क्या काम करता है, सब मतलब थियोरिकल तो समझाने के साथ साथ प्रैक्टिकली फील्ड पे जाके भी हम लोग को हर पार्ट्स दिखाए खोल अच्छा से ओपन करके। उसके बाद आपका सर जो LT और ST पैनल जो होता है हम लोग का, ACB VCB जो मेन पार्ट होता है फॉल्ट को मेंटेन करता है वो, उसको भी हर चीज़ हम लोग को चेंज ओवर कैसे होता है, क्या ना होता है, कैसे लोड में बढ़ता है तो कैसे चेंज ओवर करते हैं, हर चीज़ का मतलब एक मतलब बेसिक एकदम बैकग्राउंड बेसिक ग्राउंड लेवल से एकदम हाई लेवल तक हम लोग को सिखाया है। बस अब क्या है, हम लोग का जैसे स्किल हिंदुस्तान बोलता है जो एक महीने की ट्रेनिंग या 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद 100% जॉब प्लेसमेंट पक्का है, ये बात बिल्कुल सही है। ये जॉब सर लोग नॉलेज गेन करवाते हैं लेकिन जॉब अपने खुद के मदद से आप लेते हो। सर इंटरव्यू कंडक्ट करवाना सर स्किल हिंदुस्तान का वो मोटिव है, लेकिन जो इंटरव्यू खुद से देना पड़ता है, ऐसा नहीं जो कुछ सेटिंग करवा दिया इंटरव्यू पास कर दिया, ऐसा नहीं है, बंदे खुद जाते हैं इधर से नॉलेज गेन करके खुद जाके इंटरव्यू फेस करते हैं, इंटरव्यू अपने हिसाब से नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसके बाद ही वो सिलेक्शन होता है। तो
बंदे का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है इससे, नहीं लगता है नहीं यार इधर जितने भी कंपनी है ज़्यादा मैक्सिमम फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, तो ऐसे मतलब हर MNC कंपनी बोल ही सकते हैं। तो इस कंपनी में आपको हर चीज़ें मिलेगा, जैसे LTHT पैनल से लेके ट्रांसफार्मर से लेके DG हो गया, हाई वोल्टेज सिस्टम AC सिस्टम हो गया, फायर फाइटिंग से हो गया, UPS हो गया, और आपका जैसे स्टार्टर सेंटर, हर रिलेटेड नॉलेज मिलेगा। तो और जो फैकल्टी है खास करके दिल्ली सेंटर के, मनोहर सर है, शाम सर है और राकेश सर है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। मतलब बंदे को मतलब कुछ आता भी ना हो लेकिन इतना मोटिवेट करते हैं बंदा, मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकल के रिस्क लेना चाहता है मतलब खुशी खुशी। तो जो मेरे साथ में वही एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, और बाकी अभी फील्ड में जाना है, ठीक है, फील्ड में जाके अब बाकी सर सब तो है साथ पे, अभी ऐसा नहीं है जो ख़त्म हो गया रिश्ता, एक महीने का कोर्स ख़त्म करके अभी चलता रहेगा। अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि स्किल हिंदुस्तान से जुड़ने का मतलब है कि जब तक स्किल हिंदुस्तान है तब तक आप अब हमारी फैमिली के हिस्सा हैं, ठीक है। और एक बात इन्होंने कही थी कि जैसे कि जॉब, तो देखिए जॉब हम नहीं दिलवाते हैं, जॉब इनके खुद के टैलेंट से मिलता है। अगर इन्होंने इंट्रूवर को हर चीज़ सही बताया तो इनको जॉब मिला, अगर ये नहीं बताते तो इनको जॉब नहीं मिलता। हमारा काम है इनको स्किल्ड प्रोवाइड करना हर एक फील्ड से, इस फील्ड में जो जो चीज़ें हैं उन सारे से रिलेटेड हर चीज़ को बताना, प्रैक्टिकली नॉलेज, थ्योरेटिकली नॉलेज, सारे चीज़ों को हम देते हैं और फिर इनको पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो एक चीज़ बताएं, आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट कितनी करी थी? इधर तो सर इंडस्ट्रियल विजिट तो 2 शिफ्ट में हुआ था, जैसे पहला 5 से 6 दिन हुआ था द्वारका सिटी सेंटर मॉल पे, उधर इंडस्ट्रियल विजिट हुआ हम लोग को, उधर LTHT पैनल से लेके और DG सिस्टम से लेके, उसके बाद पूरा इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो मतलब सर जाके मतलब हम लोग को पहले दिन सिखा दिए थे, अच्छे से दिखा दिए थे, उसके बाद खुद से जाके हम लोग को उधर खास से काम करते थे। उसके बाद फिर हम लोग को नोएडा जो मेन ऑफिस है अंसल प्लाजा मॉल पे, उधर जाने के बाद उधर भी हम लोग को अच्छा खासा चीलर सिस्टम दिखाया सर प्रदीप सर, और उधर भी मतलब हर चीज़ बहुत सही लगा। मतलब हर चीज़ मतलब जब खुद इधर थ्योरी कर पढ़ के जब उधर से खुद जाके जब फील्ड पे देख रहे हैं तो मतलब चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं और दिमाग में फट से बढ़ जा रहे हैं, नहीं ये सिस्टम ऐसे काम करते करते। अब क्या है, अब फील्ड पे नौकरी तो हो गए, अब फील्ड पे जाना है, अब खुद से हाथ से करना है, तभी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा जो आगे चल के फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत कामयाब कर सकता है। अभी तक आप इसके पहले क्या करते थे और आज तक हाथों से काम किया है कि नहीं? इससे पहले तो सर मैंने मतलब मेरा 2017 में हो गया है, मतलब BTech पास की है, तो ज़्यादा ईयर गैप हो गया, कोविड आ गया था, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मतलब 1 साल मैंने NTPC पे एज ए ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के हिसाब से काम किए थे और 1 साल ऐसे प्रोजेक्ट पे टाटा स्टील गंडर पे एक वेंडर पे काम किए थे। मतलब उधर काम करना और ना करना मतलब इक्वली था, मतलब मेरे को दिमाग में सिर्फ टेंशन ही रहता था और कुछ नॉलेज गेन नहीं हो रहा था, ठीक है ना सर। और उसके बाद मैंने तो जो डिसीज़न लिया बहुत मतलब स्किल हिंदुस्तान में आने का डिसीज़न मैंने बहुत पहले ही सोच के रखे थे लेकिन ले नहीं पाए, लेकिन अभी ले लिए हैं, अभी मतलब आने के बाद अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है नहीं अब लाइव की लाइव और पटरी पे सही पटरी पे चढ़ गई है, अब लग रहा है जो आगे चल के फ्यूचर दिख रहा है, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर दिख रहा है, जो फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, अंदर से मतलब एक कॉन्फिडेंट होता है, हाँ फील हो रहा है जो नहीं अच्छा होने वाला है। और खुद से कभी काम नहीं किए हैं, ठीक है ना, हम BTech हैं, हम मान रहे हैं ना, हम खुद से एक लाइटिंग भी नहीं जोड़ते थे, ठीक है ना, अभी इधर आके सब कुछ कर रहे हैं हाथ से, तो मतलब नहीं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब पूरा जो होता है हर चीज़ उसको निभाएंगे अच्छे से, मतलब करेंगे खुद से और आगे चल के और भी अपने अंदर जितना भी हो मतलब हर चीज़ के बारे में जैसे कुछ कुछ नया नया थिंकिंग आए तो उसके ऊपर भी अपने काम करते रहेंगे। और बाकी स्किल हिंदुस्तान टीम तो पूरी है तो उनके साथ भी कुछ मतलब कुछ अगर कभी कन्फ्यूज़न हुआ जो मतलब इतना हेल्पफुल है सर, इतना स्किल हिंदुस्तान पूरी टीम, इधर की दिल्ली वाली टीम भी और आपके जो नोएडा वाली टीम भी, उधर भी विजिट होता है पूरी टीम, और खास प्रदीप सर इतना हेल्पफुल है, ओम सर भी है इतना हेल्पफुल है, मतलब इतना हेल्पफुल मैंने कभी देखा नहीं। मतलब बंदे लोग को आने बंदे बहुत सारे बंदे होते हैं किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं रहता है लेकिन इधर पूरा जीरो लेवल से जब सर स्टार्टिंग करते हैं हर चीज़, एक बार अगर समझ में नहीं आया, एक बार नहीं 10 से 12 बार 15 बार समझाते हैं हर चीज़,
मतलब ये चीज़ बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगा। और इधर का हॉस्टल का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है सर, एकदम किचन भी प्रोवाइड करते हैं इधर, खाना अपने हिसाब से बना, ग्रुप में बना हुआ अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल में, हर चीज़ अच्छा है। और बाकी इधर मतलब पूरे इंडिया से, सिर्फ हम जैसे वेस्ट बंगाल से हैं, पूरी इंडिया से हर स्टेट से मैक्सिमम इधर बंदे आते हैं अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए। और धीरे धीरे मतलब इसलिए बोलना चाहेंगे, मतलब जो स्किल हिंदुस्तान है, तो मतलब जो बीटेक है या डिप्लोमा है, फ्रेशर है, जॉब नहीं मिल रही है, तो टाइम वेस्ट ना करके इधर इसे आके एक साल का ट्रेनिंग कर, एक साल एक महीने का। क्वेश्चन करूँगा आपसे, जो आपने अभी इंटरव्यू दिया, तो उस इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस करी, आपको कितना मज़ा आया, क्या क्या प्रोसेस हुआ, थोड़ा उसके बारे में आप मुझे बताएं। इंटरव्यू में तो सर पैसे पहले बहुत ही मज़ा आया मेरे को इधर स्किल हिंदुस्तान में जो सब चीज़ पढ़ाई गई थी उस रिलेटेड हर चीज़ के ऊपर से क्वेश्चन आया मेरे को, मतलब किया है जो मैनेजर थे, मेरा 3 राउंड में इंटरव्यू हुआ, मैनेजर, सुपरवाइज़र और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, तीनों मिल के इंटरव्यू लिया मेरा। तो मेरे को हर चीज़ डीजी का एक एक पार्ट का फंक्शन क्या है, कैसे कहाँ लगता है, ड्राइंग बना के दिखाना पड़ा, स्टार्ट डेल्टा से लेके रिवर्स फॉरवर्ड डॉल जितना भी है, कंट्रोलिंग SLD, कंट्रोलिंग टाइमर लगा के हर चीज़ मेरे को क्लियरली उनको ब्रीफली समझाना पड़ा। और बाकी ट्रांसफार्मर है, इसका सेफ्टी वगैरह, ट्रांसफार्मर ऐसे कि वो देखा, मैंने बीटेक किए हैं तो गेट क्वालिफाइड भी हैं, तो देखा जब रिज्यूम में, तो मेरे को वो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक डायग्राम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो उसको भी मेरे को बना के दिखाना पड़ा, कहे तुम दिखाओ समझाओ कैसे क्या काम करता है। और मैंने एक ऐसे भी बोला, जो मेरे को ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग बना दिए आप, तो उसको आप रेफर टू प्राइमरी या रेफर टू सेकेंडरी का कैसे बनाओगे नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे, उसको भी करके दिखाओ। ऑटो ट्रांसफार्मर रिलेटेड भी क्वेश्चन मेरे को आया, मतलब जितना भी मतलब ट्रांसफार्मर रिलेटेड क्वेश्चन होता हर चीज़ पूछा मेरे को। और UPS के बहुत मज़ा आया, बाकी मतलब UPS का पूरा सर्किट बना के हर चीज़, UPS में कैपेसिटर क्यों लगा रहे हैं हम लोग, DG का सप्लाई क्यों दे रहे हैं, स्टैटिक स्विच क्यों लगा रहे हैं, एकदम एक्सप्लेन करो हर चीज़ समझाना, मतलब पेन और पेपर से मेरे को समझाना पड़ा, ठीक है ना। यानी कि ओवरऑल देखा जाए कि इन्हों बहुत इनका जो फीडबैक था उससे हमें ये लगा कि इन्हें अच्छा रहा यहाँ पे सारा, इनको एजुकेशन सिस्टम से लेकर इंटरव्यू सिस्टम तक, तो वही है। और जो आपके बंगाल के जो लड़के हैं, वहाँ के लड़कों के लिए आप वहाँ के लैंग्वेज में थोड़ा कुछ कहेंगे कि कौन यहाँ आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है? आमी मैंने बांगाली छेले देर बोलबो जे जरा बीटेक बा डिप्लोमा ITI करे रखे छे, एखोनो जॉब मैंने फ्रेशर आछो बा 1-2 सालेर गैप हो गए, तो मैंने एखोनो जॉब होइनी, घरे बसे माथा खराब होच्छे, तो आशा बोलते चाहिए तुम्हारा इमिडिएटली स्किल हिंदुस्तान ইউটিউবে অ্যাপস আছে বা গুগল থেকে নাম্বার পেয়ে যাবে, ওখান থেকে তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি হোক কন্ট্যাক্ট করো প্রদীপ স্যার ইয়া শ্যাম স্যার, যে কোনো নাম আছে নাম্বার প্রোভাইড করা আছে, তো ওখানে কন্ট্যাক্ট করে যত তাড়াতাড়ি হোক তোমরা স্কিল হিন্দুস্তান জয়েন করো। আমি 100% বলছি, মানে 12,000 বা 14,000 যা টাকা ওখানে অ্যাডমিশন ফি নেয় ওইটা ওয়েস্ট যাবে না, ওইটা পুরো লাইফ টাইমের গ্যারেন্টি আমি নিজেই ফিল করছি। আমার 2017 পাস আউট আর আমি এখন 2023 এখানে এসেছি, আমি এখানে এসে নিজেই ফিল করছি যে যদি কোনো ছেলে বা কোনো ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যদি নলেজ থাকে, তো কোনো গ্যাপ কিছু মাইনে রাখে না, নলেজ থাকলে হাতে কাজ করছি, মানে দেখে বল নলেজই ওকে আগে বাড়াতে পারে, নলেজ থাকলে তুমি যে কোনো ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করে দিতে পারবে। হ্যাঁ, নলেজ থাকলে তোমার গ্যাপ হয়ে গেছে, টাকা কিছু কম পাবে, কিন্তু এমন নয় যে টাকা সেই লিমিটই থাকবে, তুমি 1 বছর কাজ করবে তারপর তোমার নিজের স্কিল নলেজ বলবে টাকা, ঠিক আছে, টাকার কথা না ভেবে আমি বলতে চাই যত তাড়াতাড়ি হোক স্কিল হিন্দুস্তান টিমকে জয়েন করো, ঠিক আছে। আর বাড়িতে বসে কোনো লাভ নেই, তাই এখানে এসে যত তাড়াতাড়ি হোক স্কিল হিন্দুস্তান জয়েন করো, এটাই বলবো সবাইকে। থ্যাংক ইউ। চলিয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপকা কি যো আপনে ইতনা আচ্ছা রিভিউ দিয়া, ক্যুকি আপ হি লোগ কে রিভিউ কে ওয়াজহ সে হাম ভি আগে বড় রহে হ্যায়, ক্যুকি আপকো হাম আচ্ছা জো ভি স্কিল দে রহে হ্যায় উসি স্কিল কে ওয়াজহ সে আপকি জব লগ রহি হ্যায়, আর জব কে ওয়াজহ সে আপ হামারি প্রমোশন করতে হ্যায়, উস ওয়াজহ সে হামারা স্কিল হিন্দুস্তান আর जो है आगे बढ़ने की तादाद में लगा हुआ है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर जॉब। थैंक यू सर, आपका बहुत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।